का नाम अशोक बैठेंगे। क्या क्या मांग है आप लोगों की? हमारी मांग है खत्म करो, किसान आए उसका गठन करो, सरकार की गलत नीतियों के कारण किसान आत्महत्या कर रहे हैं, आत्महत्या कर ली अब तक, लेकिन किसी भी सरकार को आज तक किसानों में जू नहीं जानी। किसान बिल्कुल पूरी तरह से त्रस्त हो चुका है, मरने के कगार पर है, किसान पूरे देश का पेट भरता है, किसान का बेटा देश की अच्छा करता है और किसान देश की जनता की अच्छा करता है, लेकिन किसानों की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। विधायक सांसद जितने भी हैं उनको सब बार बार पेंशन मिलती है और किसानों को कुछ भी नहीं, कोई सुविधा किसानों के लिए नहीं मिलती है। किसानों को सब्सिडी के नाम पर लॉलीपॉप दिया जाता है। हम नहीं कुछ मांगते, हमें न कर्जा माफ चाहिए, हमारा सिर्फ किसान आयोग पर गठन कर दिया जाए, उसके भी अध्यक्ष किसान आयोग का ईमानदार किसान नेता को बनाया जाए, यही हमारी मांग है। इन्हीं मांगों के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं और करते रहेंगे। अभी तो ये लड़ाई है हमारी, आगे और लड़ाई है। और एक बात और कहूंगा, जो किसानों के हित की बात करेगा वही देश में राज करेगा। 75% किसान है और वही सरकार बनाने में सक्षम है। और जब जब हमारे बाबा जी का आदेश हुआ है हमने सरकार को पूरा सहयोग दिया है और अब हमें दिख रहा है ये सरकार हमको खिलौना दे रही है और हम उसको अब आपके पूरा विरोध करना पड़ेगा। या तो योगी नहीं तो हमको रोड पर उतरना पड़ेगा। और ये आज लखनऊ में हुआ है, रोज होगा और एक दिन दिल्ली भी घेरेंगे हम इसी तरह से। भारत सरकार की जो योजनाएं आ रही हैं उससे आप खुश नहीं हैं? उससे हमारे किसानों का लॉलीपॉप किया जा रहा है, उससे किसानों का कोई भी फायदा नहीं हो रहा है। मैं ओम प्रकाश सिंह फौजी सूबेदार 28 साल सेना में करके आया हूँ। मैं प्रदेश सचिव हूँ, जिला सचिव अलीगढ़ गोहाना तहसील। इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, 500 रुपए की रिश्वत में 10,000 रुपए रिश्वत मांग रहे हैं। मैंने एक प्लॉट खरीदा, पहले आंदोलन में बैनामा कराया एसडीएम शासन ने और मेरे पीछे लगे बोले कि नहीं और जमा कराइए 10,000 रुपए। और मेरे मिश्रा जो है उनका जियो कनौजी है, मेरी एक नहीं चुनी बाबा की सरकार में। मैंने सेना में 28 साल करके आया, ईमानदारी सच्चाई बॉर्डर पर लड़ाई लड़ी। आज बेटा भी मेरा लद्दाख में है, 25 दिन में बात करती है, मगर बाबा नहीं सुना बेटा चारों को। और हम इसलिए शासन प्रशासन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी मांग को भ्रष्टाचार को बैठे हुए तहसीलों में थाने में भ्रष्टाचार मचा रहे हैं। जिला अलीगढ़ सूबेदार से साल सेना में करके जेएनयू में आपका स्वागत है। जेएनयू राजधानी लखनऊ के और आज कल्ली से लेकर मुख्यमंत्री आवास दिया जाएगा, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष से बात करना चाहता हूँ। जी सर, आप क्या नाम? प्रदेश अध्यक्ष। सबसे पहली तो हम 25 सितंबर ने पंचायत हुई थी, टॉलरेंस की बात और ज्यादा और उसको लेके बाबा के पास आए। 1 तारीख से प्रदेश का पैदल और मुख्यमंत्री पैजामा बताने के लिए कि बाबा ये क्या क्या आप सुधारो। उसी क्रम में हम चाहते हैं कि पहले हमारी जांच शुरू हो, भारतीय किसान भाई के सार्वजनिक करो और जो भी ईमानदार पाए जाए उनके कहने पर एक आयोग बनाओ, जिससे हम बार बार आंदोलन न करना पड़े और आयोग उन्हीं ईमानदार किसान कर्ज
मुक्त होगा, कर्ज माफी से हमारा भला नहीं होगा, क्योंकि सरकार आती है कभी कोई योजना करती है कभी कोई करती है, लेकिन पूरा कोई नहीं आता, इसलिए हमें कर्ज माफी नहीं, कर्ज मुक्त होना है, कर्ज मुक्त कैसे होंगे वो हम बताएंगे, और कम लागत खेती को उनको भी और इनको सस्ता दिया जाए, बिजली वादा किया था उसको फ्री दी जाए, जब खामा खा के खर्चे सरकार के कम होंगे, जैसे एमएलए एमपीओं को बेफालतू में पेंशन है और वो दी जा रही है, जो पूर्व हो गए उनको भी दी जा रही है, क्या मतलब है उनको क्यों नहीं बंद करते, जब सरकारी नौकरी करने वाले आदमी के 7 साल पूरा करने के बाद उसी पेंशन खत्म कर सकते हो, तो एक दिन के लिए एमएलए होने के उसको क्यों पेंशन दे रहे हो, इन चीजों पर ही सबको बाबा से मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे और बाद में जो भी संभावना जो निकलता है उस पर देखेंगे आप देख सकते हैं कि अन्नदाता यहाँ पे अपनी अपनी जय जवान जय किसान जय किसान जय किसान से नजर आ रहे हैं।